हेलो फ्रेंड्स मैं सोनिया सोनिया की रसोई में आप सबका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए फ़ैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें आज की रेसिपी के लिए चलिए अपने किचन की ओर चलते हैं आज की रेसिपी के लिए यहाँ मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं साथ ही यहाँ दस से बारह हरी मिर्च ली है अब टमाटर को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है अब उसे इस तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में से हमें कट कर लेना है आप इस रेसिपी को झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं बस पाँच मिनट में टमाटर मिर्ची की सब्जी बन के रेडी हो जाती है जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है इसी तरह से मैंने सभी टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है अब साथ में हमने मैंने यहाँ जो आठ से दस हरी मिर्ची ली थी उसे भी मैंने पानी से पहले अच्छे से धो लिया है उसके बाद उसका डंठल इस तरह से अलग करेंगे और उन्हें भी बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे अगर आप चाहें तो इन्हें लंबे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं जिस तरह से आप इसे कटिंग करना चाहें उस तरह से कटिंग कर सकते हैं इसी तरह से सभी मिर्चों को भी अच्छे से हमें बारीक टुकड़ों में मैंने यहाँ कट कर लिया है जब भी हमारे पास कोई सब्जी ना हो तो आप इस तरह से टमाटर मिर्ची की चटपटी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा इसके लिए यहाँ एक फ्राई पैन लेंगे उसमें आधी चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल के जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं साथ ही इसमें आधी चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे उसके बाद इसमें हमने जो मिर्ची और टमाटर को कट करके रखा था उसे ऐड कर लेंगे अब इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हल्के से टमाटर के गलने तक इन्हें हमें ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए पका लेना है और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है अब इसे ढक्कन लगा दीजिए और दो से तीन मिनट के लिए पकने दें साथ ही बीच बीच में चम्मच जरूर चलाएं देखिए फ्रेंड्स कुछ देर के बाद अच्छे से टमाटर गलना स्टार्ट हो गए हैं अब इस स्टेज पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे सूखे मसालों में है हाफ टी स्पून रेड चिली हल्की दरदरी कोटी हुई साथ ही एक चौथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीबी धनिया पाउडर अब स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच शक्कर या चीनी अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक हमें इन्हें पका लेना है तब तक कि सूखे मसाले सभी अच्छे से भून ना जाएं और टमाटर थोड़े से और ना गल जाएं। और वापिस से इन्हें ढक्कन लगा दीजिए और कुछ देर के लिए इन्हें फिर से ऐसे ही हमें पका लेना है और बीच में एक दो बार चम्मच जरूर चलाएँ कुछ देर के बाद वापस से ढक्कन हटा कर देखिए फ्रेंड्स सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इन्होंने अपना ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और सब्जी देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और सब्जी बनके तैयार है आइए गैस बंद कर दीजिए एक प्लेट में इन्हें सर्व कर लेते हैं आप इस सब्जी को का मीठा शक्कर का मीठापन मिर्ची का तीखापन और टमाटर की खट्टास वाली सब्ज़ी खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड्स आपको मेरी टमाटर मिर्ची की सब्ज़ी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में